हाँ तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज बात करेंगे कि बॉलीवुड सिनेमा और साउथ के सिनेमा के अंदर होने जा रही है एक बहुत बड़ी फाइट 2025 के अंदर। हाँ जी, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर जहाँ पे रामायण के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट की जा रही है, इसके अंदर रणबीर कपूर की बहुत सारी वीडियोज़ जहाँ पे सर्कुलेट हो रही हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और इसकी स्टार कास्ट को भी बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट किया गया है। और इसके साथ ही हॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर हैंस ज़ाइमर का नाम इसके साथ जुड़ गया है, जो कि AR रहमान के साथ इसका म्यूजिक देंगे। यहीं पे बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तेलुगु सिनेमा ने अपनी मूवी कनप्पा के साथ नाम जोड़ लिया है अक्षय कुमार का। जी हाँ, अक्षय कुमार ने कनप्पा के लिए हाँ कर दी गई है और अक्षय कुमार इस मूवी के अंदर प्ले कर सकते हैं लॉर्ड शिवा। वहीं पे ब्रह्मा जी का कैरेक्टर प्ले करेंगे मोहन लाल, जो कि साउथ सिनेमा से आते हैं। और वहीं प्रभास इस मूवी के अंदर प्ले करेंगे शिवा का कैरेक्टर। और अब हम बात कर लेते हैं कि कनप्पा की एक्चुअल में कहानी है क्या। देखिए, कनप्पा मूवी जो है एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर, और अगर हम कनप्पा की स्टोरी पे बिलीव करें तो कनप्पा जो है लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक हंटर कम्युनिटी को बिलीव करते थे और वो जो भी कुछ जंगल के अंदर मिलता था वो लॉर्ड शिवा को अर्पित करते थे। और इसके अंदर आगे ये पता चलता है कि लॉर्ड शिवा के मंदिर के अंदर एक बार भूकंप आ जाता है, जहां पे मंदिर की दीवारें गिरनी शुरू हो जाती है, जहां पे बाकी सारे प्रीस्ट जो है वो भागने लगते हैं, लेकिन कनप्पा वहां से नहीं जाते और वो शिवलिंग को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो आंख बनी होती है उसकी एक आंख में से खून आना शुरू हो जाता है, जिससे कि कनप्पा जो है अपनी एक आंख अपने तीर से निकाल के उस शिवलिंग की आगे लगा देते हैं। लॉर्ड शिवा उनकी परीक्षा लेने के लिए दूसरी आंख में से भी खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कनप्पा अपनी दूसरी आंख को भी निकालने लगते हैं, वही लॉर्ड शिवा प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी आंख निकालने से रोक देते हैं। और इसके बाद वो उनकी दोनों आंखें ठीक कर देते हैं। आगे क्या होता है ये पूरी कहानी इस मूवी के अंदर बताई जाएगी। तो ये मूवी भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ रिलीज की जा रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल होने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि ये मूवी रामायण मूवी को कितनी ज्यादा टक्कर दे पाएगी 2025 के अंदर। और रामायण मूवी से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आदिपुरुष की सफलता के बाद लोग वेट कर रहे हैं कि रामायण को एक अच्छे तरीके से बनाया जा सके, लोग रामानंद सागर की रामायण के बाद मूवी के बारे में बहुत लंबे समय तक बात कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे करिए लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय, रब रखा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।